ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे आप आरपीजियो बजा सकते हैं, लेकिन गिटार का आरपीजियो का उसका कुछ टेस्ट ही अलग है। वो सुनने में इतना ईयर सूदिंग है दोस्तों, मतलब किसी गाने में अगर आरपीजियो बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है, उसके बाद उसके ऊपर ये गाना प्ले हो रहा है, उसका जो टेक्स्चर है वो टेक्स्चर पूरा बदल जाता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी बुबई और टेक चला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज दोस्तों मैं एक बहुत ही स्पेशल ट्यूटोरियल लाया हूँ आप लोगों के लिए। जो लोग गिटार VST में कुछ करना चाहते हैं, कुछ एम्पल गिटार में कुछ सीखना चाहते हैं, एम्पल गिटार में वो जो कुछ धुन बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है। आप तो जानते ही हैं एम्पल गिटार बहुत ही रियलिस्टिक गिटार है और इसका जो कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स के लिए तो ये बहुत ही फेमस है दोस्तों। आप इसमें नोट भी क्रिएट कर सकते हैं, मेलोडी भी क्रिएट कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये फ्री है दोस्तों, एकदम फ्री, 100% फ्री। इसके लिए आपको ना रजिस्टर करना पड़ता है, ना किसी को कुछ पैसा देना पड़ता है दोस्तों। तो बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही एडवांस्ड किस्म का प्लगइन है ये। तो AGML 2 में कैसे RPGO कॉर्ड बनाया जाता है दोस्तों, वो उसी का आज ये ट्यूटोरियल है दोस्तों। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस किया जाएगा। एक भी पॉइंट अगर मिस हो जाए तो दोस्तों तो आप मतलब पूरी तरह से एम्पल गिटार में RPGO को बना नहीं सकते दोस्तों। तो RPGO बहुत ही वाइटल पार्ट होता है किसी भी म्यूजिक के लिए। ये गाने का जो मूड है, ये जो फील है, ये पूरा चेंज कर देता है और सुनने में तो बहुत ही एकदम मधुर लगता है ये कानों में दोस्तों। तो चलिए बात को और आगे ना बढ़ाते हुए चले जाएंगे मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर और सीखेंगे आज का ये ट्यूटोरियल। तो दोस्तों हम आ गए हैं मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर और CakeWalk मेरा खुला हुआ है दोस्तों। और ये बहुत ही छोटा ट्यूटोरियल होने वाला है और बहुत ही इजी, कितने इजी तरीके से हम लोग AGML 2 इस VST के मदद लेके RPGO और रियलिस्टिक RPGO क्रिएट कर सकते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, AGML 2 जो VST है उसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा दोस्तों। सिंपल इंस्ट्रूमेंट ट्रैक टिक रखेंगे, ओके कर देंगे और ये दोस्तों गिटार का जो इंटरफेस है वो खुल के आ गया है मेरे सामने। तो सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पर, हम जाएंगे स्ट्रमर में। स्ट्रमर में जाने के बाद यहाँ पर तो अब तो जानते हैं मेरा AGML 2 का जो पहले एक ट्यूटोरियल दिया था कैसे इसमें कॉर्ड बनाया जाता है, वो आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉर्ड का नाम दिया गया है दोस्तों और यहाँ पर पैटर्न है दोस्तों, कौन सा पैटर्न में ये कॉर्ड बजेगा। लेकिन हम लोगों को तो कॉर्ड नहीं चाहिए, हम लोगों को तो चाहिए RPGO। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये दो सेक्शन में बटा हुआ है, एक थोड़ा लाइट ग्रे और ऊपर वाला सेक्शन डार्क ग्रे, जहाँ पर ये नोट ड्रॉ किया गया है। तो ऊपर वाला जो सेक्शन है ये खाली है दोस्तों और यही सेक्शन है RPGO बनाने का। यहाँ पर देखिए 6 तार दिया गया है, 6 स्ट्रिंग इधर आपको मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6। गिटार में 6 स्ट्रिंग होता है दोस्तों, यही 6 स्ट्रिंग लेके हम काम करेंगे। तो चलिए हम RPGO बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस जो नोट है इस नोट को डिलीट कर सकते हैं या फिर किसी भी जगह पे यह नोट को हम ड्रॉ करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। मतलब इस कॉलम में किसी भी जगह हम अगर क्लिक करेंगे तो वो जो प्रीवियस वाला नोट है वो डिलीट हो जाता है और नया वाला नोट ड्रॉ हो जाता है दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पर यह वाला 6 स्ट्रिंग में एक उसको नोट दे दिया, उसके बाद एक गैप छोड़ के यहाँ पर एक दूसरा वाला दे दिया और यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर सिंपल सा एक बनाते हैं दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पर ये करते हैं, यहाँ पर देते हैं दोस्तों। RPGO में एक साथ हम दो नोट को बजा सकते हैं, ये RPGO का एक स्टाइल होता है। सपोज़ यहाँ पर जो है वहाँ पर मैं 5 नंबर स्ट्रिंग को भी बजाना चाहता हूँ और जो 2 नंबर स्ट्रिंग है उसको भी बजाना चाहता हूँ। उसके बाद ये गया, उसके बाद ये आया और इसको
इसको डिलीट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये नोट नहीं चाहिए हमको, तीन नंबर स्ट्रिंग में चाहिए, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे और तीन नंबर स्ट्रिंग में ले लेंगे। और यहाँ पर फिर से एक तीन नंबर स्ट्रिंग में ले लेंगे और यहाँ पर एक ले लेंगे। कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, एक दो तीन, दो तीन, अच्छा चलिए इसको एक बार सुन लेते हैं। सुनने से पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका जो आरपीजीओ है इसको आरपीजीओ को थोड़ा घटा देंगे, क्योंकि बहुत फास्ट टेम्पो में आरपीजीओ को सुनना अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हम 8 कर देंगे दोस्तों, 80 कर देंगे और एम्पल गिटार में फिर से घुस जाएंगे और यहाँ पर सुनते हैं इसका टेम्पो को। यहाँ पर नोट का जो कॉर्ड का यह था वो भी रह गया है दोस्तों, इसको हम डिलीट कर दिया डबल क्लिक करके। अब फिर से सुनते हैं, अब दोस्तों क्या करते हैं, इसका जो वेलोसिटी है वेलोसिटी को हम कम कर सकते हैं। यहां पर आप देखिएगा, यहां पर मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नंबर आप देख सकते हैं, किसी भी नोट में जाऊँगा, जैसे इस नोट में जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए VEL, यहाँ पर आप देखिएगा VEL 90 लिखा हुआ रहेगा, तो ये 90 को हमको, ये वेलोसिटी है दोस्तों कितना ज़ोर से ये बजेगा। इसको इस नोट पर क्लिक करके हम नीचे ड्रैग करेंगे तो दोस्तों इसका जो वेलोसिटी वो कम हो रहा है, इसको 64 रखते हैं। और साथ साथ देखिए इसका जो कलर है वो कलर भी डल हो गया है दोस्तों, मतलब वायलेट हो गया है दोस्तों। तो एक बार सुन लेते दोस्तों क्या बनाया था। ये नोट यहाँ नहीं था दोस्तों, ये नोट यहाँ था, इसको कर देते हैं। इसको इसका वेलोसिटी को कम करना है, इसलिए इसको इसको रखेंगे 46 और इसका भी थोड़ा घटा देंगे दोस्तों, इसको 68 रखते हैं, इसको थोड़ा घटा देते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो फिंगर है मशीन की तरह हर नोट में एक ही वेलोसिटी नहीं डाल सकता, तो इसीलिए ह्यूमनाइजेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर ये नोट को हमको थोड़ा वेलोसिटी को इधर उधर करना होता है तो सुनने में अच्छा लगता है दोस्तों। इसका भी घटा देंगे, इसका भी थोड़ा घटा देंगे और यहाँ पर एक नोट हम डाल सकते हैं, यहाँ पर इसका वेलोसिटी बहुत घटा देंगे दोस्तों, इसको 30 रखते हैं। तो चलिए सुनते हैं फिर से एक बार। यहाँ पर भी थोड़ा इसका वेलोसिटी को थोड़ा ज़्यादा करेंगे और इसको कमा देंगे दोस्तों, घटा देंगे, और ये 90 में है, ये इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो दोस्तों अब सुनते हैं, देखते हैं कैसा आता है। बहुत अच्छा आरपीजीओ दोस्तों आपने देखा क्रिएट हो गया है। ये दोस्तों जो आरपीजीओ बना है ये एक पैटर्न बन गया है आरपीजीओ का, और ये नंबर 1 में है, नंबर 2 में जाएंगे, नंबर 2 में जाके मैं दूसरा पैटर्न बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर तीन नोट बजाएंगे दोस्तों, फिर से यहाँ पर और यहाँ पर 2 बजेगा और यहाँ पर 3 बजेगा। इसका वेलोसिटी को थोड़ा बहुत आगे पीछे करना होगा तब जाके ये ह्यूमन की तरह सुनाई देगा, नहीं तो ये लगेगा कि रोबोट प्ले कर रहा है, एकदम मशीन की तरह बजेगा ये। एक्यूरेट हमको उतना एक्यूरेसी नहीं चाहिए दोस्तों। ये जो नोट है इन नोटों को हमको डबल क्लिक करके निकाल देना है, जितना सारा डार्क ग्रे एरिया में जितना सारा नोट रहेगा दोस्तों सब नोट को डिलीट कर देना है, सिर्फ लाइट ग्रे में जो नोट रहेगा इस 6 जो रो है इस 6 रो में हमको नोट ड्रॉ करना है, अगर यहाँ पर रह जाएगा तो वो कॉर्ड का साउंड करेगा दोस्तों। तो इसको भी थोड़ा कम करूँगा, इसको भी थोड़ा कम करूँगा, इसको थोड़ा कम करेंगे, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, बस अब प्ले करते हैं इसको साउंड को। यहाँ पर एक नोट और चाहिए दोस्तों, अब प्ले करेंगे, इसका साउंड को थोड़ा घटा देंगे दोस्तों,
अब देखते हैं। तो दोनों पैटर्न मैंने बना लिया दोस्तों। तो ये पैटर्न का नोट कहाँ है, C3 पे, और इस पैटर्न का है C#3 पे। और यहाँ पर तो मैं आप जानते हैं कि जो नोट रहता है उसी नोट का नाम लेके ये पैटर्न होता है। जैसे ये C1 है और F मेजर को देखते हैं, ये F मेजर, G मेजर, ये G1 है, F मेजर है, F1, A माइनर है, A1। तो ये नोट के हिसाब से होता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर कुछ काम नहीं है, और एक काम कर सकते हैं दोस्तों हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पर इसका जो स्विंग है स्विंग थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और ये इसको मतलब 1/16 नोट में भी बज रहा है, इसको 1/8 कर देंगे तो ये बहुत ही स्लो हो जाएगा दोस्तों। आप देखिए एक बार प्ले करता हूँ। इसको फास्ट करने के लिए 1/16 में ये डिफॉल्ट रहता है, और इसको 32 कर देंगे तो ये बहुत फास्ट बजेगा दोस्तों। हमको 16 ही रखना है 1/16। और यहाँ पर आप एफएक्स में जाके यहाँ पर कुछ आप इसमें एफएक्स लगा सकते हैं। जैसे इधर मैं एक डिले लगा दूंगा और एक रिवर्ब को लगा दूंगा। यहाँ पर रिवर्ब का कंट्रोल कर सकते हैं आप, साइज को थोड़ा बढ़ा देंगे और डम को भी थोड़ा बढ़ा देंगे, और डिले का फीडबैक अच्छा एक बार सुन लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम ये करेंगे। स्टमर में आ जाएंगे और प्ले करते हैं। चलिए इसको पॉज कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर नोट को बनाने का टाइम आ गया है दोस्तों। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, इसका पियानो रोल में घुस जाएंगे और शिफ्ट और डी दबाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा दोस्तों। आपको तो पता ही है FL स्टूडियो और CakeWalk में AGML2 एक ही तरीके से काम करता है। मतलब वहाँ पर C1 दिखाया था, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, आपको दिख लीजिए। यहाँ पर जो नोट आपको दिखाया गया था, मतलब यहाँ पर जो सी कॉर्ड बजेगा वो है C1 पर, और एफ जी बजेगा G1 पर। यहाँ पर क्या था, ये वाला पैटर्न बजेगा C3 पे और ये वाला पैटर्न C#3 पे, लेकिन ये सब 2 ऑक्टेट ऊपर चला जाएगा तब जाके ये काम करेगा। मतलब C1 हो जाएगा C3 और F1 हो जाएगा F3 और G1 हो जाएगा G3, A1 हो जाएगा A3। यहाँ पर C3 दिया हुआ है दोस्तों, तो C3 हो जाएगा 2 ऑक्टेट ऊपर जाकर C5 और ये C#5। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर पियानो रोल में हम घुस जाएंगे, घुसने के बाद शिफ्ट दबा के डी को प्रेस करेंगे। तो हमको C3 में काउंट लेना है, C1 में नहीं। यहाँ से 4 बार तक यहाँ आएंगे, उसके बाद हम जी कॉर्ड को प्ले करेंगे, एफ जी, ये वाला जी है। उसके बाद एफ कॉर्ड को प्ले करेंगे, उसके बाद हम फिर से सी को प्ले करेंगे, वो C5 में बजेगा, मतलब जो पैटर्न आप C#7 में भी ले सकते हैं, जो सेकंड वाला पैटर्न लिया था। फिर से सी, अब इसको काट देंगे दोस्तों, यहाँ से इसको भी काट देते हैं, और यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, और यहाँ से इसको लूप में ले लेंगे दोस्तों। और अब W प्रेस करके इसका पहले आ जाएंगे प्लेहेड को लेके। अब हम इसको सुनेंगे दोस्तों, 1 2 3 4। लूप हो गया दोस्तों। अब इसका पियानो रोल में घुस जाएंगे, घुस जाने के बाद ये वाला जो है इसको ये सुनने में ठीक नहीं लग रहा है, इसको नीचे रख देते हैं पैटर्न 1 में। अब फिर से W दबा के सुनेंगे इसको, thank you.
बहुत ही अच्छा दोस्तों, एक आरपीजीओ बन गया है दोस्तों, और बहुत ही इजी तरीके से आपको कौन सा स्केल का आरपीजीओ में कौन सा नोट है वो याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ कॉर्ड को मेंशन कर देना है, ये सी कॉर्ड में बजेगा, ये जी कॉर्ड में बजेगा, ये एफ में बजेगा, और ये फिर से सी में बजेगा। अगर आप दोस्तों आप चाहते हैं कि ए माइनर में भी बजे, तो यहाँ से आप ए कर दीजिए तो ए माइनर में बजना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि डी में बजे, तो यहाँ पर आप डी कर दीजिए दोस्तों, एक के बाद ये डी डी में बजेगा दोस्तों। और उसके बाद अगर आप ई चाहते हैं तो यहाँ पर ई कर दीजिए। अब यहाँ पर फिर से इसको डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक, लूप को हटा देंगे दोस्तों, और यहाँ से सुनेंगे 1 2 3 4। डी होगा, ये ई होगा दोस्तों, ये अब बजेगा ठीक सही तरीके से। सुन लीजिए फिर से एक बार, कितना अच्छा कॉर्ड प्रोग्रेशन विथ आरपीजीओ बन गया है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया है, कैसे आरपीजीओ को बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि एक बार जिस्ट को देख लेते हैं, तो फिर से एक जिस्ट को दे सकते हैं। हम जब कॉल करेंगे AGML2 को, स्ट्रमर में आना है। स्ट्रमर में आने के बाद यहाँ पर जितना सारा डार्क ग्रे एरिया में जितना सारा नोट रहेगा सबको डिलीट करके, आपको यहाँ एक एक नोट ड्रॉ करके एक रो एक कॉलम में आप दो नोट भी डाल सकते हैं। आपका टेस्ट के ऊपर आप आरपीजीओ पैटर्न कैसे बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से इसको आपको सेट करना होगा। और यहाँ पर एक नहीं दोस्तों, टोटल 8 पैटर्न आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो अभी सिर्फ 2 ही पैटर्न आपको बना के दिया हूँ, एक वाला ये पैटर्न है और एक ये वाला पैटर्न है। तो आप अपने हिसाब से पैटर्न को बनाइए। और दोस्तों आप यहाँ पर जाके कौन सा कॉर्ड में आरपीजीओ प्ले करना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। ये बहुत पहले का वीडियो में मैंने बता दिया था, आप आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे ये वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ये वीडियो को आपने पसंद किया है दोस्तों। और अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्त लोगों में ये वीडियो शेयर कर देना, और बिल वाला जो आइकॉन है उसको भी दबा देना, ताकि मेरा अपलोड हो किया हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और घंटी को इतना जोर से दबाना है ताकि मेरे कानों तक पहुंचे, जैसे मेरा ये VST का आवाज़ आपके कानों में पहुंच रहा है उसी तरह। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए और इन्जॉइंग योर RPGOs।